हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर हम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनॉइड्स को पढ़ेंगे और कुछ एक टर्म्स और भी ऐड की हैं मैंने आज के इस लेक्चर के अंदर। तो देखिए, सबसे पहले जो सबसे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है लैंथेनॉइड्स की, वो होती है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। कौन सी रहेगी? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। +3 के अलावा भी ये +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर एग्जिबिट करते हैं, यानी इन दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर भी ये प्रेजेंट मिलते हैं। किस रीजन की वजह से? दीज ऑक्सीडेशन स्टेट इज शोन बाय दोज एलिमेंट्स विच बाय लूजिंग 2 or 4 इलेक्ट्रॉन्स एक्वायर ए स्टेबल कॉन्फिग्रेशन। यानी +2 or +4 ऑक्सीडेशन स्टेट रेयरली सिर्फ उन एलिमेंट्स के अंदर देखने को मिलेगी हमें, या फिर वो इस ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर खुद को रखना ज़्यादा पसंद करेंगे जो 2 या 4 इलेक्ट्रॉन देने के बाद या लेने के बाद। जनरली तो हम यहाँ पर अगर मेटल्स के बारे में बात करते हैं तो प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर रहेगी, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव होती है तो हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करेंगी, तो लूजिंग के बाद स्टेबल कॉन्फिग्रेशन को अटेंड कर ले। स्टेबल कॉन्फिग्रेशन मतलब या तो एफ के अंदर इलेक्ट्रॉन बिल्कुल जीरो हो जाए तो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी लेगा, या एग्जैक्टली हाफ फील्डेड हो या एग्जैक्टली फुली फील्डेड हो। सिर्फ इन 3 कंडीशंस के अंदर ही जो एलिमेंट है वो एक्स्ट्रा स्टेबल कॉन्फिग्रेशन को गेन करेगा। तो देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ एक एग्जांपल लिखे हुए हैं। सबसे पहले है यूरोपियम 2+, इसके अंदर देखिए 4F7 में आ जाता है अगर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर ये प्रेजेंट है, तो हाफ फील्डेड कॉन्फिग्रेशन आ गया, स्टेबिलिटी इंक्रीज हो गई। सेम इसी तरीके से इटरबियम 2+, इसके अंदर अगर ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है तो एफ ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन है वो फुली फील्डेड रहेगा, और फुली फील्डेड कॉन्फिग्रेशन है तो ऑब्वियसली स्टेबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी, इसकी एक्स्ट्रा स्टेबल कॉन्फिग्रेशन रहेगा। ये सीरियम 4+ के अंदर है तो इसमें एफ में 0 इलेक्ट्रॉन आ जाता है, इसकी स्टेबिलिटी भी बढ़ जाएगी क्योंकि एफ के अंदर एक भी इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, 0 है। तो कॉन्फिग्रेशन जो है इसका जो भी प्रीवियस रहेगा वो किसके इक्वल रहेगा? जीनन के इक्वल, और ये हाईली स्टेबल होती है। तो टर्बियम 4+ है, इसके अंदर भी 4F7 रहेगा, यानी हाफ फील्डेड कॉन्फिग्रेशन रहेगा। यानी ऐसे एलिमेंट जिनका कॉन्फिग्रेशन 0, 7 या फिर 14 आ जाए, इतने इलेक्ट्रॉन आ जाए एफ में, तो वो +2 या फिर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर प्रेजेंट रहेंगे। इसी तरीके से समेरियम 2+, यूरोपियम 2+, टर्बियम 2+, ये जो आयन्स हैं ये सॉल्यूशन के अंदर गुड रिड्यूसिंग एजेंट का काम करते हैं बिकॉज ऑफ देयर यूनिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन। और सीरियम 4+ और टर्बियम 4+ जो है ये गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिए, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, ठीक है। तो अगर ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर रहेंगे तो खुद को किस में लेके आएंगे? ये +2 के अंदर लेके आएंगे, और ये अगर +2 में है तो किस में जाना पसंद करेंगे? +4 के अंदर जाना पसंद करेंगे, चाहे ये +4 में हो चाहे 3 में हो, ये खुद को किस में रखना पसंद करेंगे? +2 में, क्योंकि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट गेन करते ही इनका जो कॉन्फिग्रेशन है वो एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाता है। और सेम कंडीशन इनके पास है, अगर ये +2 या +4 में है तो इनकी स्टेबिलिटी कम रहेगी, लेकिन जैसे ही ये +4 के अंदर मूव करेंगे तुरंत इनकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेंगे और ये गुड रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, केमिकल बिहेवियर के बारे में बात करेंगे हम लैंथेनॉइड की। फर्स्ट फ्यू जो मेंबर्स होते हैं लैंथेनॉइड सीरीज़ के, सिर्फ वो ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, ठीक है, वो ही रिएक्टिविटी अच्छे से शो करते हैं। और इनकी जो केमिकल रिएक्टिविटी होती है वो सेम टू सेम कैल्शियम की तरह रहेगी। जैसे कैल्शियम रिएक्ट करता है ना, तब डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स जनरेट करता है, उसी तरीके से ये भी रिएक्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लैंथेनॉइड को LN से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। वैसे LN जैसा कुछ होता नहीं है, लेकिन सारे लैंथेनॉइड, हम यहाँ पर कोई भी एलिमेंट लैंथेनॉइड का स्टार्टिंग के लेके चल सकते हैं, इसलिए मैंने LN लिखा है ओनली फॉर द रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। और यहाँ पे डिफरेंट रिएक्शंस मैंने लिख के दिखाई हैं कि अगर इस तरीके की रिएक्शन करेंगे, ये रिएक्टेंट डालेंगे या इतना टेम्परेचर देंगे, हीट करेंगे, जो भी करेंगे, उसके बाद ये प्रोडक्ट बनेंगे। जैसे देखिए, कार्बन के साथ रिएक्ट करेंगे 2773 केल्विन के ऊपर, तो या तो LN3C बनेगा, या LN2C3, या फिर LNC2, इनमें से मिक्सचर भी बन सकता है इन प्रोडक्ट्स का, या फिर एक एक प्रोडक्ट भी बन सकते हैं। इसी तरीके से अगर डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन गैस लिब्रेट होगी और सॉल्ट के अंदर कन्वर्ट होगा, लेकिन जनरली इसके अंदर मेन क्या है कि हाइड्रोजन गैस लिब्रेट होगी। इसी तरीके से अगर हम इसे बर्न करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, LN2O3 बन गया। अगर नाइट्रोजन की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो LNN बनेगा, ये है ना, नाइट्राइड बना दिया इसने। हीट विद सल्फर, अगर सल्फर के साथ हीट करेंगे तो LN2S3 बनेगा। अगर H2O के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये हाइड्रोक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, साथ में हाइड्रोजन गैस बनेगी। हैलोजन के साथ ट्रीट करवाते हैं, कोई भी हैलोजन अगर हम ले रहे हैं तो LNX3 में कन्वर्ट होगा, ट्राई हैलाइड बना के देगा ये। तो ये इसकी सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। इसके अलावा कुछ एक जैसे कलर है, कुछ एक प्रॉपर्टीज़ और हैं इसकी, बहुत ही ईजी हैं, एक बार बुक के अंदर आप देख के रीडिंग जरूर लगाएं उनके ऊपर, ठीक है। जो मेन है वो मैंने यहाँ पर बता दी है। Uses of lanthanoids is also very important.
लेंथेनॉइड्स डू नॉट फाइंड एनी यूज़ इन द प्योर स्टेट। अगर ये प्योर स्टेट के अंदर प्रेजेंट है तो लेंथेनॉइड का कोई भी यूज़ देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन अगर ये अलॉय फॉर्म के अंदर आ जाता है तो हम इसको वाइडली यूज़ करते हैं। जैसे मिस मेटल जो होती हैं ये अलॉय होता है, बहुत ही फेमस अलॉय है लेंथेनॉइड का। क्या क्या कंपोजिशन होती है इसके अंदर, लेंथेनॉइड मेटल नियरली इक्वल टू 95% प्रेजेंट रहती है, जिसमें सीरियम और लेंथेनम प्रेजेंट रहेंगे। 50% सीरियम रहेगा और 40% लेंथेनम रहता है। आयरन जो है वो 5% तक प्रेजेंट रहेगा नियरली इक्वल टू, जो थोड़ा बहुत परसेंटेज कम रहता है उसमें ट्रांस अमाउंट के अंदर सल्फर है, कार्बन, कैल्शियम या फिर एल्यूमिनियम प्रेजेंट रहता है। तो इनका जो मिक्सचर होता है लेंथेनॉइड का और आयरन का और ट्रांस अमाउंट में ये चीज़ें प्रेजेंट रहती हैं, मिस मेटल अलॉय बनाता है। लेंथेनॉइड का अलॉय होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मिस मेटल इज़ यूज इन मेकिंग ए मैग्नीशियम बेस्ड अलॉय, या तो मैग्नीशियम बेस्ड अलॉय बनाने के काम आता है। ये बनाने के बाद इसका फर्दर यूज़ किया जाता है या फिर फर्दर और भी तरीके की प्रोडक्ट्स जनरेट करता है। इट इज़ ए पायरोफोरिक अलॉय, ये एक पायरोफोरिक अलॉय होता है, यानी इसे अगर कहीं भी घिसेंगे या फिर कहीं भी अगर ये स्टक करेगा तो इसमें से स्पार्क इमिट होगी और ये इसी वजह से यानी जो बर्निंग प्रॉपर्टी होती है वो शो करता है। इट इज़ यूज इन मेकिंग बुलेट्स शेल्स ऑफ एंड लाइटर ऑफ फ्लिंट, लाइटर फ्लिंट्स जो बुलेट्स होती हैं उनको बनाने में, और सेल्स और लाइटर फ्लिंट्स जो होती हैं यानी जो हम घर पे लाइटर वगैरह यूज़ करते हैं उसके अंदर फ्लिंट्स होती है ना, तो उसके बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है मिस मेटल का। इसके अलावा देयर ऑक्साइड्स यानी लेंथेनम ट्राईऑक्साइड जो है इसका यूज़ ग्लास इंडस्ट्री के अंदर किया जाता है फॉर मेकिंग ऑप्टिकल ग्लासेस, जो आई साइड के रिगार्डिंग जो ग्लासेस वगैरह होते हैं उनको बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। इसके अलावा दूसरे टाइप के ग्लास भी क्रूक लेंसेज बनाने के अंदर भी यूज़ किया जाता है, और इस तरीके के ग्लास इससे बनाए जाते हैं जो यूवी लाइट के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसका ये ऑक्साइड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन के अंदर भी इसका यूज़ किया जाता है, और भी यूजेस दिए हुए हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट इसके यूजेस हैं, एक तो मिस मेटल का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। इसके अलावा जो यूजेस हैं वो भी आप अच्छे से एक बार पढ़ेंगे, यानी लेंथेनॉइड के रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उनके ऊपर मेन फोकस रखना है आपको।